उल्लास न दिखाओ, मेरी भक्ति में आज उनकी ठेकेदारी नहीं है, हमें भक्त समान प्यारे हैं, मैं यहां भी तुम्हारे साथ वहां भी तुम्हारे साथ। तो ओम शांति कहकर के दादा की आत्मा शरीर को छोड़ गए। कितनी उम्र की दादा भी समझी जब वो शरीर छोड़ा है, 285 वर्ष 6 महीना 11 दिन की उम्र में दादा ने शरीर को छोड़ा। तुम्हारे वंश में भी एक पितामा हुए, पढ़े लिखे लड़के साथ जानते होंगे, मोहम्मदाबाद के पास में रोहिला बांसी भारत सिंह आई जी सिपाही आने से आई जी हुए थे, इसमें पहला नंबर रहा। 1 लाख रुपया पेंशन अभी तक किसी ने नहीं ले पाया, वो भारत सिंह यादव ने ली। 102 वर्ष के होकर के शरीर पूरा करके खत्म हो गए, याद रखना। वो दादा भीष्म के शरीर में जितना वजन है लाश में उतना ही घी, लाश में जितना वजन है उतनी चंदन की लकड़ी, लाश में जितना वजन है उतनी धूप, और दादा के शरीर को हवन कर दो पंचवन हवन, समझो। हम देखते हैं काम कोई मर गया, 2 किलो घी ले लिया, 4 किलो सामग्री ले ली, आग लगाए कि फेंक दी, नहीं। वेदों में आया है लाश में जितना वजन उतनी धूप, और लाश में जितना वजन उतना ही घी, और लाश में जितना वजन उतनी आम की लकड़ी, चंदन की तो नहीं कर पाओगे, आम की लकड़ी लकड़ी और जामुन की लकड़ी, ध्यान रखना, पीपल की लकड़ी, शरीर का हवन कर देना चाहिए। लेकिन बड़े दुख की बात है, तुम 1000-1000 रुपए की दारू पी जाओगे रोज, 50-50 रुपए की बीड़ी सिगरेट गुटखा खा जाओगे, तुमने अंतिम संस्कार के लिए कोई इंतजाम ही नहीं किया। भागवत सुनने आए हो, आगे से दारू छोड़ दो, बीड़ी छोड़ दो, गुटखा तंबाकू छोड़ दो, और ये पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दो। जब तक मरोगे तब तक इतना हो जाएगा, औलाद को घर से नहीं देना पड़ेगा, ध्यान रखो। अच्छा, इतने लोग बैठे हो, हाथ उठाओ, कौन कौन नहीं मरेगा? कोई है ऐसा तो नहीं मरेगा? अरे जितना देखो तारी मौत के बीमार बैठे हैं, लाखों मर रहे, करोड़ों तैयार बैठे हैं। तो याद रखने लोगों, आगे से बीड़ी गुटखा सिगरेट दारू छोड़ो। भाइयों, ये पैसा खर्चा कर रहे लोग, तुम्हारा साउंड गड़बड़ी क्यों कर रहा है? क्या बात है? तुमने समाज पास उन्हें बुलाओ, उमेश भैया, उमेश संभालेंगे, कौन सीटी देता है, कौन बैठ जाता है।